दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के कई सारे ईमेल्स आए और सबने यही कहा कि जिस तरह से आपने यंत्र के बारे में बताया और एक अनुभव के बारे में बताया, उसी तरह अगर कोई और यंत्र की उपासना हो उसके बारे में बताइए, जिससे हमें सुरक्षा प्राप्त हो, सिद्धि भी प्राप्त हो और बड़ी ही सरल साधना हो। क्योंकि यंत्रों की साधनाएँ बहुत ही छोटी होती हैं, सरल होती हैं और फ़ायदा भी करती हैं, इसलिए उनको करने के लिए कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो इसी संबंध में आप लोगों की मांग के ऊपर मैं आज माता महाकाली की कवच साधना लेके आया हूँ, जिनका कवच आप पढ़ सकते हैं और उस कवच को धारण भी कर सकते हैं। तो यंत्र जो है वो आप अमेजन से मंगा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है और कैसे उसको धारण करना है, साथ ही साथ माता महाकाली की पूजा कैसे करनी है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सभी के लिए ये फायदेमंद होने वाला है। हम लोग जानते हैं कि माता महाकाली जो जगत की सृष्टा हैं, संगार कारिणी हैं, यानी कि नष्ट भी करती हैं वही, तो वही जो हैं सारी माया का रचनाकार हैं। तो अगर उनकी माया से बचना है तो उनकी ही पूजा और उपासना से सबसे ज़्यादा हमें लाभ होने वाला है, क्योंकि वो ही कालरात्रि हैं, वही महारात्रि हैं, वही मोहरात्रि हैं, वही महामाया है, महाविद्या है, महादेवी है, महासुरी हैं। यानी कि सब कुछ जो भी माया में सबसे बड़ी शक्ति हैं वो माता महाकाली मानी जाती हैं। काल का स्वरूप हैं, यानी टाइम बंधन में जो बांधने वाली हैं, क्योंकि समय चक्र में सभी जीव फंसे हुए हैं, तो वो केवल बांधने वाली हैं और सबको बांध लेती हैं। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको वो बांधने में सक्षम ना हुई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सब यही समझ सकते हैं कि इन्होंने अपनी ही योग निद्रा से भगवान विष्णु को भी अपनी माया में बांध लिया था, भगवान विष्णु को सुला दिया था और वो योग निद्रा का आश्रय लेके सोते रहे थे। तो हालांकि वो सोने का मतलब आदमी के सोने की जैसा आप नहीं लगा सकते हैं, वो साधना ही होती है, योग निद्रा स्वयं में एक साधना होती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि भगवान उसी दौरान जब वो जलमग्न होकर संपूर्ण जगत जगलमग्न था, यानी कि उसी दौरान उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हो गए जो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े थे। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जैसे दौड़े तो ब्रह्मा जी घबरा कर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी करने के बावजूद भगवान विष्णु को वो नहीं जगा पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाने पर ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की स्तुति प्रारंभ की, क्योंकि वो जानते थे कि मोह में डालने वाली और माया रचने वाली जो सबसे बड़ी महाशक्ति हैं, जो जगदम्बा महाकाली के नाम से जानी जाती हैं, उनकी उपासना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ही उन्हें संध्या, सावित्री और इन विभिन्न रूपों में उनका नाम जपते हुए जो श्लोक है, जिसको हम माता का जो है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के नाम से भी जानते हैं, और माँ के बहुत सारे और स्वरूप हैं हालांकि, लेकिन माँ के इस स्वरूप की जो है वंदना उन्होंने की थी। और फिर जो है माँ उनके नेत्रों से भगवान विष्णु के प्रकट हुई थी, जिससे भगवान विष्णु की नींद टूटी थी। और फिर उन्होंने भगवान विष्णु ने उस दोनों मधु और कैटभ नाम के राक्षसों से युद्ध किया और उनको परास्त किया, लेकिन वो हार नहीं रहे थे क्योंकि वो भगवान विष्णु के ही अंश से पैदा हुए थे। तब उन्होंने उनके मन में फिर भ्रम पैदा कर दिया और अपने आप में इतने अधिक बलवान समझने लगे कि उन्होंने ये कहा कि आपके युद्ध से हम बहुत खुश हुए हैं और आप हमसे वरदान मांगे। तो भगवान विष्णु ने फिर उनसे वरदान मांगा कि जहाँ पे भी कहीं भी जो है आप मेरे द्वारा मारे जाएं, तो वो कहते हैं कि जहाँ पानी नहीं हो वहीं पर मारो मुझे। तो वहाँ सब जगह पानी भरा हुआ था, तो भगवान विष्णु ने भी बुद्धि लगाते हुए अपने जांघों पर रखकर दोनों के सिर चक्र से काट दिए थे। तो इसीलिए माँ भगवती कितनी अधिक आप समझ लीजिए मोहने वाली हैं, मोह संसार को अपने मोह में फांस लेने वाली होती हैं। इसलिए इनकी अगर पूजा उपासना की जाए, इनका कवच पढ़ा जाए, तो किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। खासतौर से वर्किंग वुमेन्स जितनी हैं, यानी काम करने वाली स्त्रियां, और जितने भी पुरुष काम करते हैं वो सब इधर उधर जाते रहते हैं, तो उन एक्सीडेंट से बचें, नेगेटिव एनर्जी से बचें और अपने मन को सात्विक बनाए रखें,
ये सब चीज़ों के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम कवच का पाठ करें। तो माता महाकाली का जो कवच है वो बहुत ही अच्छा और सौम्य माना जाता है, और इस कवच का पाठ करने के बाद अगर इनके कवच को धारण भी कर लिया जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। तो आज मैं इसीलिए आपके लिए ये कवच साधना लेके आया हूँ, जो बहुत ही सरल है और बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। सबसे अच्छी बात है कि इसे नवरात्रि में रात जो रात्र सप्तमी की रात होती है, जिनको हम कालरात्रि देवी के नाम से भी जानते हैं, जो माता महाकाली ही हैं, उनकी साधना के लिए बहुत ही सुंदर और सौम्य तरीके से उस दिन साधना हो जाती है। तो करना क्या है आपको, इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको एक माला ही जाप करना है। इस कवच का एक माला जाप आपको सप्तमी की रात को करना है, और उसी से आपको इसमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। करना क्या है और इसके बारे में किस तरह से वर्णन है, मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि माँ काली जो हैं वो चुंबकत्व की तरह से अपने कार्यों को करती हैं, यानी कि चुंबक जैसे हर चीज़ को खींच लेता है, वैसे ये भी माया में और जगत को पूरी तरह खींच लेती हैं। तो इनके कवच से वो ऐसी शक्तियाँ पैदा होती हैं जो आपको, जो भी शक्तियाँ आपको अपने अधीन करना चाहती हैं किसी भी प्रकार से, वो आपको अपने अधीन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि माँ का पहरा एक प्रकार से लग जाता है। तो इसलिए चिंता दूर करने के लिए, जीवन में अगर आपके चिंता है तभी माता काली का कवच जो है आपको पढ़ना चाहिए। सुबह जब आप कहीं काम पे निकलें और माँ के मंदिर में बैठें, उस दिन थोड़ा सा जाप कर लें और कवच आपने पहना हुआ होगा तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। बीमारी को भी ये दूर कर देती है, और ये कवच अगर आप पढ़ते हैं और फिर उसको धारण भी करते हैं, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से हमेशा ही माता काली बचाती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि घर से बाहर निकलते वक्त जब सुबह आप ऑफिस के लिए जा रहे हों या किसी काम करने के लिए जा रहे हों, तो भी मंदिर में पूजा करके अपने घर के मंदिर में माता के इस कवच को केवल 4 बार पढ़ लीजिए और आप बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है, गलत चीज़ें की हुई हैं, तो बहुत ही सरलता से आप इसको 5 बार पढ़ेंगे और फिर जल जो है आप सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिए, और साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए कि कोई भी काला जादू है वो नष्ट हो जाए। इसके अलावा वो जो भी मंदिर में लोटा हम तांबे का रखते हैं माँ के आगे, उस लोटे के जल को अपने मंत्र से अभिमंत्रित करके फिर घर पे पूरे घर में अगर छिड़काव कर दें, तो अगर घर पे आपके काला जादू किया गया है तो वो भी हट जाता है। इसके अलावा अगर कहते हैं इसकी अगर रोज़ 1008 बार इसका जाप किया जाए तो दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यानी 108 बार अगर रोज़ पढ़ने लगे व्यक्ति तो उसे अद्भुत दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा 9 के 9 ग्रह अगर आपका काम बिगाड़ते हैं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, 9 के 9 ग्रह आपके अधीन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही शक्तिशाली इसीलिए कवच माना जाता है, और बहुत छोटा सा माता का ये कवच है जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले कवच के बारे में जान लेते हैं और फिर इसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगा लीजिए, और जिस विधि से मैं बताऊंगा उस विधि से आप इसको धारण कर लीजिए, हमेशा गले में पहने रहिए, खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो माँ का जो कवच है इस तरह से है, इस तरह से उसका जाप किया जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकाए स्वाहा मे पातु मस्तकम्, अपने मस्तक को छू लीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं कपालम सदा पातु ह्रीं 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 इति लोचने, इसी तरह आप पढ़िए। फिर उसके बाद फिर ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा नासिका मे सदा वातु, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा द्रष्टं सदा वस्तु, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं भद्रकालिके स्वाहा पातु मे अधर युग्मकम्, ऐं ह्रीं श्रीं काली कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओं ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिके स्वाहा कंठम सदा वसु, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके श्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओं ह्रीं कालिके स्वाहा कर्णयुग्मकम् सदावतु, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओं क्रीं क्रीं क्लीं काले स्वाहा दन्तं पातु मां सदा मम, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके श्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं
ओम क्रीं भद्रकाले स्वाहा मम वक्ष सदावतु। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम क्रीं कालिके स्वाहा मम नाभि सदावतु। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम ह्रीं कालिके स्वाहा मम पृष्ठं सदावतु। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं रक्त बीज विनाशिन्ये स्वाहा हस्तो सदावतु। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं ह्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम ह्रीं क्लीं मुंडमालिन्ये स्वाहा पादो सदावतु। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम ह्रीं चामुंडाय स्वाहा सर्वांग में सदावतु, यानी सारे अंगों में। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं, बस इतना छोटा सा ही ये मंत्र है। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के इसको पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं इसको लिख दिया हूँ वहाँ पे, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको, क्योंकि पढ़ने में कोई समस्या ना आए इसलिए वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ दूसरा लिंक जो है अमेजन से आपके खरीदने का है, वहाँ से इस यंत्र को आप मंगा सकते हैं। और इस यंत्र को फिर कैसे पूजा करनी है, अब चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप अमेजन से या किसी भी वेबसाइट से, जैसे कि मैंने लिंक अमेजन का दिया है, वहाँ से इसको मंगवा लीजिए। उसके बाद फिर आपको इसको दूध से और फिर गंगा जल से धो लेना है अच्छी तरह से। ये सप्तमी की रात को आपको करना है, उससे पहले आपको धार नहीं करना है। तो सबसे पहले तो जब आप इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद फिर इसको पूजा स्थल पर रखिए। बहुत ही सरल विधि से मैं बता रहा हूँ। आप इसको अपने पूजा स्थल पर जब रख लेंगे, उसके बाद में फिर इस कवच को आपको पढ़ना है। इस कवच को जब आप पढ़ेंगे, तब लाल रंग का जो टीका होता है, जिसको हम सिंदूर कहते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप जो है अपने माथे पर लगाइए और यंत्र को लगाइए। एक बार पढ़िए, फिर यही कार्य कीजिए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर यही कार्य कीजिए। यानी कि बार बार आपको, यानी 108 बार इसको आपको पढ़ना है, पूरे के पूरे कवच को। और हर बार उनको, यानी कि यंत्र को टीका करना है, और उसके बाद फिर अपने माथे को टीका करना है। पहले यंत्र को टीका करना है, फिर अपने माथे को टीका करना है। और एक बार जब पूरा ये पढ़ जाएं कंप्लीट, उसके बाद ही करना है। तो इस तरह आपको 108 बार करना है, इससे ये यंत्र जागृत हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, इसी यंत्र को काले तिल होंगे, एक कटोरी में ले लीजिए, पूरी तरह से काले तिल भर के उसके अंदर इस यंत्र को बिल्कुल छुपा के रख दीजिए। पूरी रात तक ये यंत्र इस काले तिल से बाहर नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार से। ऐसे मंदिर में आप रख दीजिए, मंदिर पे ही आप इसको रख सकते हैं। और उसके बाद फिर सवेरे जब हो जाएगा, तो जब सूर्यदेव को जल चढ़ाने जाएंगे, उसमें से थोड़े से काले तिल जो हैं, उसमें सूर्य के लिए जो जल चढ़ाने वाले हैं अपने तांबे के लोटे में, उसमें थोड़े से काले तिल उसी में से डाल दीजिए जल में के लोटे में, और वह जल सूर्यदेव को अर्पण करके प्रणाम कीजिए और कहिए, हे माता महाकाली के स्वरूप, हे सूर्य भगवान, मैं इस दिव्य कवच को धारण कर रहा हूँ, आज से यह कवच सदैव मेरी रक्षा करे। इस प्रकार से आप माँ भगवान सूर्य को माँ काली का स्वरूप मानते हुए उनके सामने फिर इसको जल चढ़ाने के बाद अपने गले में धारण कर लेंगे और फिर सदैव इसको धारण किए हुए रखेंगे। तो यह कवच के रूप में आपकी सदैव रक्षा करेगा। अब आपको क्या करना है, रोज कम से कम 7 बार, या अगर समय नहीं मिल पाता है तो एक ही बार आप इसको रोज जपेंगे। सुबह के समय जब भी आप पूजा में अपनी बैठते हैं, पूजा घर में, पूजा स्थान में, वहां पर जाकर के आपको एक बार पढ़ना है, माता काली को याद करना है, और टीका जो है अपने माथे पर लगाना है, और साथ साथ उसको भी लगा देना है, आपके जो गले में पहना हुआ होगा उसको छुआ देना है अपनी उंगली से। तो बस ऐसे मानकीकरण के लिए किया जाता है, यानी कि ऊर्जा उसके अंदर माँ काली के मंत्र के द्वारा बनी रहे। तो इस मंत्र का आप हमेशा जाप करते रहिए, ये मंत्र आपको सिद्धियाँ देगा, साथ ही साथ उस यंत्र को जागृत करके रखेगा जो अपने गले में पहना हुआ। अब ये आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा, सदैव माँ काली आपके साथ रहेंगी यंत्र के रूप में और आपको फायदा देंगी। तो ये थी कवच साधना, जो आप लोगों के वर्किंग लोग जितने भी हैं, जो लोग वर्क करते हैं,
या काम करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बाहर जाते हैं, रात को देर से आते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।